वो कपड़ा है ना बहुत लगाव उससे, और सबसे ज़्यादा लगाव टोपी में, क्योंकि टोपी सर का ताज होता है, और जो ताज को निकाल देगा ना भाई वो कपड़े का वैल्यू नहीं रहता। मेरा नाम है राहुल नट और मैं पिछले 12 सालों से स्ट्रीट पे रह रहा हूँ। जब इंसान को भूख लगती है ना, और जब खिलाने वाला कोई नहीं रहता तो इंसान का दिमाग चलने लगता है, खाना कहाँ से खाना है, या वो बुरे काम में चले जाता है या वो अच्छे काम में चले जाता है। ये आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो निशान। वो टाइम पे मैं स्ट्रीट शो ही करता था, तो मैं एक जगह शो करने गया था तो कुछ बंदे आए थे मेरे पास जो एडिक्शन वाले बंदे रहते हैं, जो नशा करते हैं। तो वो टाइम पे मेरे पास 10,000 रुपीस कलेक्शन करके आया था मैं, मेरे सेलफोन था, मेरा स्पीकर था, मेरा बैग था, तो मैंने सारे पैसे बैग मतलब वो छीन लिया था, जस्ट एक मोबाइल बचा था। तो बंदे ने ना तार डाल दिया था, ब्रेक वाला तार रहता है ना जो अपन बाइक में लगाते हैं, वो ब्रेक वाला तार उसने मेरे मुँह के अंदर फंसा दिया था। तो उनको मैं मना ही कर रहा था ना, जैसे ही वो मोबाइल खींचा ना तो वो तार मेरे यहाँ तक फंस गया। करीबन 2 महीने के बाद उस तार को निकाला गया कटिंग करके अंदर से। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, जो भी मैं पैसे कमाता था तो ऐसे 2-3 हज़ार कमाता था तो मेरा चोरी हो जाता था। तो मैंने अपने दिमाग में ये ठोट पा लिया कि आज मेरा कोई चोरी कर रहा है तो मैं भी किसी का कल चोरी करूँगा। कई जगह मैंने मतलब चोरी की है, साइकिल चोरी की है, कपड़े चोरी किए हैं, जो जो ज़रूरतमंद सामान मेरे को लगता था जैसा कपड़े लत्ते, यहाँ तक मैंने खाना भी चोरी किया है। कि देखो भाई, इंसान को जब जान बचानी रहती ना तो खाना नहीं देखता कहाँ का है, बस वो खाने लगता है। तो मेरे को ऐसे ही लगा, मैं ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लिया कि मैं कचरे का खा रहा हूँ करके। दो साल चोर की गिनती में आ गई थी मेरा ना, मैं एक चोर हूँ, मैं लोगों का सामान चुराने वाला बंदा बन गया था। फिर कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, मेरा नाम आर्टिस्टों में गिनना चाहिए था, आज मेरा नाम चोरों में गिना जा रहा है। तो मतलब अंदर से फील हुआ कि नहीं अभी नहीं करना है। तो मेरे को लगा नहीं अभी नहीं करना है चोरी, अभी कुछ ऐसा काम ढूंढते हैं जो लोगों को चेहरे में स्माइल आने लगे, और भले थोड़ी तकलीफ अपने को हो कि लोगों को स्माइल आना चाहिए, और कुछ पैसे मिले जिससे मेरा घर भी चले, पेट चले, मेरे जो शौक है छोटे मोटे वो मैं पूरे करूँ। तो वहाँ से मैंने चोरी पूरी तरह बंद ही कर दिया। तो मैंने एक बंदे को देखा, वो है ना स्टैचू का काम करता था जैसा मैं करता हूँ। मैंने देखा कि यार वो सिर्फ खड़ा है, और मेरा डांस में कैसा है, इधर उचकना उधर उचकना, जंप मारना वो मारना, पूरा बॉडी का पसीना निकाल देना, ये बंदा जस्ट खड़ा है, और खड़ा ही है बंदा, और मैं वो खड़ा है उसको नहीं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, इनकम। ये बंदे की इनकम क्या आ रही है, पब्लिक इसको क्या रिस्पॉन्स दे रही है, पब्लिक इसके ऊपर क्या कमेंट कर रही है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, बस वही नोटिस कर रहा था। तो मैंने यही देखा कि यार पब्लिक का रिएक्शन मस्त है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है, क्यों ना हम भी करें। भले थोड़ा टाइम लगेगा, तकलीफ भी होगी थोड़ी बहुत, पैर कांपेंगे, कमर दुखेगी, मुंडी इधर उधर होगी, आंखें जमजमाएगी, तो करेंगे धीरे धीरे करके। तो मैंने एक एक चीज़ें को कलेक्ट किया, डायरेक्टली सारी चीज़ें को कलेक्ट नहीं किया। जैसे अभी मेरे को पैंट की ज़रूरत है, मैंने एक पैंट ला के रखा, एक शर्ट की ज़रूरत है शर्ट ला के रखा, जैकेट ला के रखा, समझ रहे। जब मैंने गोल्डन मैन का काम स्टार्ट किया था ना, तो शुरू दिन में ही मैंने 700 का कलेक्शन किया था। वो टाइम पे तो सही से खड़ा भी नहीं होने आता था मैं। जब वो इनकम मेरे पास आया ना, जब वो क्रिएट किया, तो मेरे को लगा कि यार 700 रुपया कमाया, बोला ये काम अच्छा है, मैं इस काम में पूरी जान डाल दूंगा। बोला आप बता दो, जब मैं स्ट्रीट परफॉर्म करता हूँ ना आज भी, जो बंदा आता है ना मेरे पास, जैसा आप आए, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, गुड वर्क, गुड जॉब, ये लो 1 रुपया, वो 1 रुपया मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर। क्यों? क्यों वो 1 रुपया उस बंदे ने अपने दिल से दिया है कि बंदा वर्क कर रहा है। और एक बंदा आया
अबे क्या अबे टोपी उड़ाया, मेरे जैकेट को ऐसा किया, मेरे उसको ये किया, मेरे कंधे में हाथ डाल के मेरे को हिला रहा है। वो 1000 रुपये भी डाल के जाएगा ना तो वो धूल के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने भिखारी समझ के दिया, ना कि वो मेरा काम देख के दिया कि बंदा काम कर रहा है, अच्छा जॉब कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है, उसने ये समझ के नहीं दिया। मैं अभी ऐसा इंसान बन गया हूँ ना, पैसे छापने की मशीन, झूठ नहीं बोलूँगा। भाई आप मेरे को जन्नुम में छोड़ के आओ, मैं वहाँ पे भी कमा के आऊँगा। मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया है, ऐसा हथियार बनाया है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना तो खुद भी खाऊँ और दो लोगों को भी खिलाऊँ। मैं जब काम करता हूँ ना भाई, काम से पहले अगर मैं हूँ तो एक इंसान हूँ। कपड़े पहन लिए, कलर लगा लिए, मेकअप कर लिया, टोपी पहन लिया, ग्लव्स पहन लिए, चश्मा पहन लिया, तो मैं समझ लेता मैं एक मूर्ति हूँ। अब मूर्ति कभी हिलती नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती, जाओ इंसान हो या कोई जमीन। हमें दादर को हमेशा माँ ही समझता हूँ। मैं जब भी आता हूँ प्रणाम करता हूँ और काम स्टार्ट करता हूँ। तो माँ के पास रहेगा तो माँ थोड़ी भूखा छोड़ेगी अपने बच्चे को।